नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है DHP न्यूज चैनल में। आज है तारीख 2 जनवरी 2024, दिन मंगलवार। हिमाचल प्रदेश के आज के मुख्य समाचार और बड़ी खबरें आपको बताएंगे। सभी खबरों के बारे में विस्तार से जानने के लिए कृपया हमारे साथ अंत तक बने रहिए, और यदि आपने DHP न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी क्लिक कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज के प्रदेश के मुख्य समाचार। हर जिले में मिलेगी अब वाहन स्क्रैपिंग की सुविधा, सरकार ने तैयार की पॉलिसी। हिमाचल में 15 साल पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के लिए हर जिले में पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्रों की सुविधा मिलेगी। परिवहन विभाग ने स्क्रैपिंग केंद्र खोलने के लिए आवेदन मांगे हैं। स्क्रैप पॉलिसी में 15 साल पुराने वाहनों को स्क्रैप करने वाले लोगों को नया वाहन खरीदने पर पंजीकरण में 50% तक की छूट मिलेगी। वाहन स्क्रैपिंग केंद्र खोलने के लिए पंजीकृत सोसाइटी, ट्रस्ट, फर्म यह कंपनी आवेदन कर सकती है। परिवहन विभाग आवेदनों की छटनी करेगा। शर्तें पूरी करने वाले आवेदकों को कारोबार शुरू करने की अनुमति दी जाएगी। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय के निर्देशों पर प्रदेश सरकार ने स्क्रैप पॉलिसी तैयार की है। पुरानी गाड़ियों के कारण होने वाले पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए यह पॉलिसी लाई गई है। हिमाचल में हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा, अधिसूचना जारी। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर के हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिल गया है। सोमवार को नए साल के पहले ही दिन राज्य सरकार ने जिले के ट्रांसगिरी क्षेत्र के लोगों को बड़ा तोहफा दिया। अधिसूचना जारी करने के बाद मंत्रिमंडल ने भी हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस पर फैसला किया गया। विशेष दर्जा प्राप्त करने वाला हाटी 11वां समुदाय है। इससे पहले हिमाचल में अनुसूचित जनजाति के 10 समुदाय थे। हालांकि केंद्रीय कानून को दृष्टिगत रखते हुए क्षेत्र की अनुसूचित जाति को अनुसूचित जनजाति के दायरे से बाहर रखा गया है। हिमाचल की शक्तिपीठों में 1,42,000 श्रद्धालुओं ने माथा टेक नववर्ष का किया आगाज। हिमाचल प्रदेश की शक्तिपीठों में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने सोमवार को शीश नवाकर नए साल का आगाज किया। इसमें श्री नैना देवी जी में 70,000, ज्वालामुखी में 25,000, बज्रेश्वरी मंदिर में 12,000 और चामुंडा में 10,000, चिंतपूर्णी में 25,000 श्रद्धालुओं ने हाजिरी लगाई। श्री नैना देवी जी मंदिर के कपाट 22 घंटे और चिंतपूर्णी के कपाट 24 घंटे खुले रहे। विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी जी में नववर्ष मेला धूमधाम से मनाया गया। नववर्ष पर रात 1:30 पर मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। 1 जनवरी को शाम 6 बजे तक 70,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने मंदिर में माथा टेका। साल के पहले दिन मंदिर में श्रद्धालुओं का भारी संख्या में पहुंचने का सिलसिला देर रात तक जारी रहा। जुब्बल के परांठी गांव में भयंकर अग्निकांड, 10 घरों के 80 कमरे जलकर राख। हिमाचल प्रदेश की तहसील जुब्बल के परांठी गांव में रविवार रात भयंकर अग्निकांड में 10 घरों के 80 कमरे जल गए। इससे 10 परिवार कड़ाके की ठंड में बेघर हो गए हैं। घटना में करोड़ों रुपए की संपत्ति के नुकसान का अनुमान लगाया गया है। प्राथमिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। आग पर करीब 7 घंटे बाद काबू पाया गया। प्रशासन की ओर से प्रभावित परिवारों को फौरी राहत वितरित की गई है। जानकारी के अनुसार परांठी गांव में रविवार रात करीब 1 बजे विनय पांटा के घर में आग लगी। परिवार के सदस्य घर के अंदर सो रहे थे। धुएं से घुटन महसूस करने के बाद परिवार के लोग बाहर की ओर भागे और जान बचाई। एक के बाद एक दूसरे घरों में भी आग लगती गई। घटना की सूचना मिलते ही जुब्बल, कोटखाई, रोहडू व चिड़गांव से दमकल विभाग बुलाए गए। प्रशासन की ओर से SDM जुब्बल राजीव सांख्यान, पुलिस के जवान सहित मौके पर पहुंचे। घरों का कोई भी सामान नहीं बचाया जा सका। आग से 10 परिवारों के 80 कमरे जलकर राख हुए। प्रभावितों को गांव में ही दूसरे के घरों में ठहराया गया। हिमाचल में घने कोहरे का अलर्ट, बाहर निकल रहे हैं तो बरतें एहतियात। हिमाचल प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में 6 जनवरी तक घना कोहरा छाए रहने का येलो अलर्ट जारी हुआ है। प्रदेश के मध्य और उच्च पर्वतीय जिलों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू, चंबा, किन्नौर और लाहौल स्पीति में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। इस दौरान इन क्षेत्रों में धूप खिलने से अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज होने की संभावना है। ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा सहित सोलन, मंडी और सिरमौर के निचले क्षेत्रों में घना कोहरा पड़ने की संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने मैदानी क्षेत्रों के लोगों से सुबह और शाम के समय पूरी एहतियात के साथ ही घरों से बाहर निकलने की अपील की है।
कोहरा पड़ने से वाहनों की आवाजाही भी प्रभावित होने और मौसम में ठंडक बढ़ने की संभावना जताई गई है। सोमवार को प्रदेश के सभी मैदानी क्षेत्रों में सुबह और शाम के समय घना कोहरा पड़ा। दोपहर 12 से 1 बजे के बाद ही इन क्षेत्रों में धूप खिली। शाम 4 बजे के बाद दोबारा कोहरा पड़ गया। मौसम में आए इस बदलाव के चलते इन दिनों प्रदेश के मध्य और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम दिन के समय साफ हो गया है। सोमवार को राजधानी शिमला सहित अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में दिन भर धूप खिली रही। राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना चरण 2 शुरू करने की मंजूरी, जाने बड़े फैसले। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक सोमवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में युवाओं को सशक्त बनाने व स्वच्छ ऊर्जा पहल को आगे बढ़ाने के दृष्टिगत सौर ऊर्जा के दोहन के लिए राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के चरण 2 को शुरू करने का निर्णय लिया गया। यह योजना 100 किलोवाट से 500 किलोवाट तक क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाओं को स्थापित करने पर केंद्रित है। योजना राज्य के अक्षय ऊर्जा लक्ष्य को हासिल करने में मील का पत्थर साबित होगी। यह योजना 21 से 45 वर्ष की आयु के युवाओं को उद्यमशीलता के अवसर प्रदान करने के साथ कौशल विकास को प्रोत्साहित करेगी। योजना के तहत प्रतिभागियों को 3 बीघा भूमि पर 100 किलोवाट क्षमता की परियोजना स्थापित करने के लिए 25 वर्षों तक लगभग 20,000 रुपए मासिक आय और क्रमशः 5 और 10 बीघा भूमि में स्थापित की जाने वाली 200 किलोवाट और 500 किलोवाट क्षमता की परियोजनाओं के लिए 40,000 रुपए व 1,00,000 प्रतिमा मासिक आय प्राप्त होगी। वहीं राज्य मंत्रिमंडल ने दिव्यांग बच्चों के लिए भी एक योजना को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे बच्चों के लिए एक शिक्षण संस्थान बनाएंगे। जब बच्चा स्कूल कर लेगा तो उसी स्कूल में एकीकृत शिक्षा दी जाएगी। वहीं एक एकीकृत संस्थान खोला जाएगा, उसी संस्थान में स्कूल कॉलेज भी बनाए जाएंगे, इससे श्रेष्ठ शिक्षा मिलेगी। सुक्खू ने कहा कि पिछले वर्ष के पहले दिन उन्होंने अनाथ बच्चों के संबंध में एक बात कही थी, इसे धरातल पर लाया गया। बिजली बोर्ड में 1 जनवरी को जारी नहीं हुआ वेतन और पेंशन, कर्मचारियों ने बैठक बुलाई। राज्य बिजली बोर्ड में 1 जनवरी को वेतन और पेंशन जारी नहीं हुआ। कर्मचारी यूनियन ने प्रबंधन पर कुप्रबंधन का आरोप लगाते हुए मंगलवार को संयुक्त संघर्ष समिति की बैठक बुला ली है। इस बैठक में आगामी रणनीति बनाई जाएगी। 28,000 पेंशनरों और 15,000 कर्मचारियों को सोमवार को दिन भर बैंक खातों पर नजर टेकी रही। शाम 5 बजे तक भी वेतन पेंशन जारी नहीं होने से कर्मचारी और पेंशनर खफा हो गए। बिजली बोर्ड के 43,000 कर्मचारियों और पेंशनरों को अदायगी के लिए हर माह 200 करोड़ रुपए की आवश्यकता होती है। आमतौर पर पुराने माह के अंतिम दिन या नए माह के पहले दिन पर पेंशन और वेतन जारी होता रहा है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। सूत्रों ने बताया कि प्रदेश में 125 यूनिट तक घरेलू उपभोक्ताओं को दी जाने वाली निःशुल्क बिजली की अवज में सरकार की ओर से बोर्ड को अक्टूबर से दिसंबर 2023 तक का पैसा जारी नहीं किया गया है। इसके अलावा बोर्ड प्रबंधन अन्य साधनों से भी धनराशि का इंतजाम नहीं कर सका। आज का सुविचार, गलती जीवन का एक पन्ना है लेकिन रिश्ता पूरी एक किताब है। जरूरत पड़ने पर गलती का एक पन्ना फाड़ देना, लेकिन एक पन्ने के लिए पूरी किताब कभी ना खो देना।